अभी हमारे लिए बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि इंदौर में करीब 4,500-5,000 सैलून थे, उसमें जो छोटे सैलून थे जिन्होंने लोन ले रखे हैं 2 लाख 1.5 लाख 50 हज़ार, वो ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा परेशान थी। और चूंकि मैं राजनीति से भी जुड़ी हुई थी तो मैं मेंदोला जी से और विजयवर के भाई साहब से कंटिन्यू मिल रही थी कि आप ऐसा कुछ करो कि हमारी ब्यूटिशियन के सैलून खुल जाएँ, और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारे सैलून खुलवाने में। तो आज हम बस उन्हीं का सम्मान और स्वागत करने के लिए आए थे, दिल से मतलब उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और पूरे इंदौर की ब्यूटिशियन बहुत खुश हैं कि उनके सैलून शुरू हो गए। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनता को एक संदेश देना चाहूँगी कि जैसे वो हम लोग पहले सोच रहे थे कि सैलून तो खुल जाएंगे पर पता नहीं क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी इंदौर की ब्यूटिशियन है उनको हम ट्रेन कर रहे हैं और वो टेम्परेचर गन, सैनिटाइज़र और जो हमारी डिस्पोजल किट है उसके संग काम कर रही है, और क्लाइंट भी आ रहे हैं और काफ़ी खुश भी हो रहे हैं वो। तो क्लाइंट को बोलूँगी कि आप डरो नहीं, अपने अच्छे सैलून पे जाके एक बार विजिट करो, यदि वो सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर काम करो। सबसे पहले आप ही ने इसका उल्लंघन किया और आप ही झुंड बना के खड़े हैं, आप ही आपस में गुत्थम गुत्था है, तो ऐसा क्यों? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर बताए ये अभी हम लोगों को पता है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पार्लर थोड़ा सा टूट गया है उसका कारण ये हुआ है कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हमको बस बस यही लग रहा था कि सब लोग आ गए, दादा भी आ जाए और हम लोग स्वागत कर दे तो शायद। बट अभी जो हम लोग हैं ना, हम लोग 3 महीने से घर से नहीं निकले, इसलिए कोरोना हमको किसी को भी नहीं होगा, भगवान ऐसा नहीं करेगा किसी को कोरोना हो। हमको विश्वास था कि यहाँ पर मतलब बीमार कोई नहीं है, इसीलिए हम लोग खड़े हो गए थे।